हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स में अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें जानेंगे आवेश, आवेश और आवेशों के प्रकार तथा आवेशों का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण। ठीक, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ठीक, आवेश जो होता है, कोई अगर परमाणु है उसका एक मूल कण होता है, और आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यही लिखा गया है कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ गए, अर्थात पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक, पहला पॉइंट हमने लिखा है, इम्पॉर्टेंट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर समान आवेश हैं, देखिए आवेश कितने प्रकार के, एक तो प्लस और एक माइनस, तो आवेशों के प्रकार कितने हो गए, दो। कितने प्रकार हो गए, दो। अगर समान आवेश होंगे, समान आवेश का मतलब है या तो प्लस और प्लस हों या माइनस माइनस, क्योंकि देखिए प्लस प्लस ये समान है और माइनस माइनस ये समान है। ठीक, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस, ये अगर दोनों आवेश होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है उस पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर भी प्लस चार्ज है, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है कि दूर हटेंगे। ठीक है, एक दूसरे से पीछे हटेंगे, समझ रहे हैं, एक दूसरे से पीछे हटेंगे। दूसरी चीज, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित, आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो है बढ़ेंगे। ठीक, जैसे असमान आवेश में एक प्लस माइनस का पहला प्लस होगा दूसरा माइनस, इसमें माइनस पहला होगा दूसरा काय का होगा, प्लस का। ठीक, तो ये असमान आवेश हो गए, ये समान आवेश थे और ये असमान। पॉइंट क्या है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समझ गए। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, याद रखिएगा। ठीक, अभी हम जब इसका फार्मूला निकालेंगे तो उसके आधार पर भी आपको एक मात्रक बता दिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ इसका उदाहरण। ठीक, उदाहरण कैसा, कि हम कैसे कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिससे हम जान सकेंगे कि आवेश जो समान आवेश होंगे उनमें प्रतिकर्षण बल और असमान आवेश उनमें आकर्षण बल किस प्रकार से लगता है। देखिए यहाँ पर हमने जो है चित्र बनाया है। ठीक, और चित्र जो है, तीन चित्र हमने बनाए यहाँ पर। ठीक, एक ये चित्र है, दूसरा ये चित्र है और तीसरा ये चित्र है। चित्रों में सबसे पहले क्या किया गया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कोई रेशम से रगड़ी हुई कोई कांच की छड़ ली। ठीक, देखिए आवेश को यदि पहचानना है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, ठीक है, तो स्कूल में क्या होते थे, बच्चे क्या करते हैं कि स्केल होती है पटरी, उसको जो है अपने जो है सिर पर रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, उससे क्या करते हैं, उसको जब लगाते हैं तो कागज़ के टुकड़े जो होंगे वो स्केल जो उसमें आवेश उत्पन्न होता है उसकी तरफ जो है क्या होते हैं, खींचते हैं। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़, एक रेशम था उससे कोई कांच की छड़ रगड़ दी गई। ठीक, उसमें क्या होगा, उसमें जो कांच की छड़ होगी उसमें चार्ज आ जाएगा, आवेश, वो कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ये थी, एक कांच की छड़ ये, दोनों रेशम से रगड़ी गई। ठीक, तो इनको जब समीप लाया जाता है तो इनमें कौन सा बल उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक, सिद्ध क्या होता है इससे, इससे ये सिद्ध होता है कि जो समान आवेश होंगे, ठीक, उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि दोनों रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ थी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया है कि बिल्ली की खाल से, ठीक, बिल्ली होती है उसकी खाल से एक एबोनाइट की छड़ ले ली गई, किसकी छड़, एबोनाइट की छड़, और उसको जो है रगड़ा गया, तब क्या होगा, देखिए उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, दोनों छड़ों को जो है
दोनों जो छड़ें थी वो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी, और दोनों छड़ों को जो समीप लाया जाता है उस पर माइनस चार्ज होता है दोनों पर। तो माइनस माइनस हमने बताया था ये भी समान आवेश हैं, तो जब समान आवेश होंगे इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा और जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। ये सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे जो बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर अदला बदली कर दिए, क्या कि पहले हम अगर रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ ले लेते हैं, दूसरी बार में क्या कौन सी ले लेते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई कांच की छड़, ठीक। तो उसमें क्या होता है, देखिए जब रेशम से हमने रगड़ा था तो उस पर प्लस चार्ज था पहले, देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज था, और जब बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी तो उसमें माइनस चार्ज था। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अर्थात इसमें जो आवेश हो गए वो असमान हो गए, ठीक। एक तो प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो जब प्लस माइनस चार्ज हो गए तो उनके मध्य में कौन सा क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक। तो निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि आवेश यदि समान होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण, और यदि असमान होंगे तो उनमें आकर्षण होगा, और जो उनके मध्य में बल लगेगा वो प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल होगा। तो इतना सभी लोग कॉपी पर लिखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।